20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है यह बल्ब खराब हो और सेकेंड क्वेश्चन है यह बल्ब खराब नहीं हो। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया है 20 बल्ब है, 20 बल्ब का है एक समूह है, तो यहाँ लिख लेंगे कुल बल्बों की संख्या बराबर 20 है। कुल बल्ब कितना है? 20 है। और इसमें से कितना खराब है? 4 खराब है, तो यहां लिखेंगे खराब बल्बों की संख्या बराबर कितना है? 4 है। समझ में आ गया? देखिए टोटल बल्ब कितना है? 20 है, उसमें से खराब बल्ब कितना है? 4 है। तो खराब नहीं होने वाले बल्बों की संख्या कितना है? यह है 16। तो यहां लिख लेंगे खराब नहीं होने वाले बल्बों की संख्या बराबर, टोटल बल्ब कितना है? 20 है, उसमें से खराब कितना है? 4 है, तो घटेगा तो कितना बच जाएगा? 16। ये जो 16 बल्ब है वो कैसा बल्ब है? तो खराब नहीं होने वाली बल्बों की संख्या है, मतलब ये अच्छा बल्ब है। तो अब निकालना देखिए क्या है कि यह बल्ब खराब हो, तो यहाँ निकालना है यह बल्ब खराब हो, तो यहाँ निकालेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बल्ब खराब होने की प्रायिकता बराबर। देखिए कैसे निकालेंगे, खराब बल्बों की जो संख्या है इसमें ऊपर लिखेंगे, यहां लिखेंगे खराब बल्बों की संख्या बटा कुल बल्बों की संख्या, ये हो गया आपका फॉर्मूला। देखिए अगर खराब बल्ब निकालना होगा, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, तो खराब बल्ब की संख्या ऊपर लिखिएगा और टोटल बल्बों की संख्या नीचे लिख लेंगे। तो देखिए इसमें खराब बल्ब कितना है? 4 है, तो यहाँ लिख लेंगे 4 और बटा कुल बल्ब कितना है? 20, तो काटेंगे तो कितना मिलेगा? 1/5, 4×5 20, ये हो गया खराब बल्ब होने की प्रायिकता। और इसी में निकालना है दूसरा क्वेश्चन, देखिए कि यह बल्ब खराब नहीं हो, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन बी का सॉल्व करेंगे, बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। तो ये इसका लगाइएगा फॉर्मूला, देखिए कि जो खराब नहीं होने वाली बल्बों की संख्या ऊपर लिखाएगा और बटा कुल बल्बों की संख्या नीचे लिखाएगा। यहां लिखेंगे खराब नहीं होने वाले बल्बों की संख्या बटा कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या। आपको निकालना होगा बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, तो खराब नहीं होने वाले बल्बों की संख्या ऊपर और बटा कुल बल्बों की संख्या नीचे। समझ में आ गया? अब देखिए खराब नहीं होने वाले बल्बों की संख्या कितना है, तो ये है 16, तो यहाँ लिख लेंगे ऊपर 16 और बटा कुल बल्ब कितना है? ये है 20, तो इसको 4 से कटिए, 4 चौका 16, 4×5 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5, ये हो गया आपका आंसर।